खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र के ग्राम घोटिया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक खेत में काम कर रहे मजदूरों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में करीब 12 मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें ऊन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां 3 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों में सभी 12 से 18 वर्ष के बालिकाएँ हैं। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि दाबड़ रोड पर खेत के पास कपास बीन रहे थे, इसी दौरान पास के खेत में सोयाबीन की मशीन चल रही थी, जिसके धुएं और आवाज़ से मधुमक्खियां उड़ने लगी और हमला कर दिया। चिकित्सकों के मुताबिक किसी को गंभीर जख्म नहीं है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मछली क्या हुआ, क्या था, बच्चे कैसे घायल हुए? 3 तो कैसे हुए, क्या हुआ? मधुमक्खी ने काटे। कहाँ रहते थे, किस लिए गए थे? मजदूरी के लिए घोटिया गए, ये घोटिया से दाबड़ गए थे कपास बीनने। ये मजदूरी गए थे सर दाबड़ कपास बीनने, तो एकदम से वो मशीन चालू हुई तो मधुमक्खी ने उड़ा, तो इनको सबको काट गए, तो 6 उनमें भर्ती है और 3 घायल है, तो खरगोन रेफर की। अभी क्या हालत है इनके बच्चों? अब थोड़े ठीक है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? मसरी। क्या हुआ था बच्चे? उसको ये कपास बीनने गई थी और वो मशीन चालू हुई तो छत्ता उड़ा, तो मेरी 3 ही लड़कियों को काटी, तो एक तो उनमें है और इसको कम है और ये ज्यादा घायल है। इतने बच्चे घायल हुए? बच्चे यहाँ पे 3 आए हुए हैं और बाकी के उनमें है। क्या खेत में कपास बीनने गए? कपास बीन रही थी। कहाँ रहते हैं सभी? हम घोटा रहते हैं। कितनी दूर है खेत वहाँ से? तो डाबड़ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर होगा। क्या गाड़ी बेल से गए थे? मोटरसाइकिल से छोड़े थे उधर से, लेने आए थे। कितने बच्चे गए थे? हमारे वाले थे, बाकी के उधर 12-13 जन थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।